हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि टैली में अब हम आगे की एंट्री कैसे करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि रिसिप्ट वाउचर में जा करके किस प्रकार से हम एंट्री बना सकते हैं, तो आइए अब आगे करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी कंपनी थी, तो इसमें अलाउ इनवॉइसिंग फीचर हमें चालू रखना है, बाकी सारे फीचर्स को ऑफ कर देना है ताकि हमें काम करने में सुविधा हो सके। तो फीचर्स यहाँ F11 दिया हुआ है फीचर्स, तो यहाँ F11 प्रेस कीजिए और अकाउंटिंग फीचर्स के लिए A प्रेस कीजिए। जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इन्वेंट्री ये यस है, इसको हमें नो कर देना है क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और अलाउ इनवॉइसिंग फीचर, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इनवॉइसिंग फीचर, तो इसको इनेबल रखना है, ठीक है। तो इसको इनेबल रख के इन दोनों को और बाकी सबको हम एक्सेप्ट कर देंगे लास्ट में, तो ये हमारा अलाउ इनवॉइसिंग फीचर चालू हो जाएगा। हमने परचेज अकाउंट में एंट्री करना सीख लिया था, अब हमें सेल्स करना है, सेल्स अकाउंट में एंट्री करना सीखना है। तो आप एक वी प्रेस कीजिए ताकि हम अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएं। तो अभी हम पेमेंट वाउचर में हैं, ठीक है। हमें कहाँ जाना है, हमें सेल्स वाउचर में जाना है। सेल्स वाउचर में जाने के लिए F8 प्रेस कीजिए। इसके बाद से आपको रेफरेंस नंबर देना है। रेफरेंस नंबर क्या है, ये आप जिस भी डेट पर आपका ये सेल हो रहा है सामान, आप जिस भी डेट पर ये सामान सेल कर रहे हो यहाँ पर वो डेट आएगी, ठीक है। चूँकि ये एजुकेशनल मोड है तो इसमें डेट चेंज होती नहीं है, तो मैं इसी डेट पे बता रहा हूँ। आपका जो भी डेट हो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसका रेफरेंस नंबर डाल देंगे जो भी सेल हो रहा है। और चूँकि हम कैश में सेल कर रहे हैं, पार्टी जो भी सामान खरीद रही है वो कैश में खरीद रही है, तो यहाँ कैश कर देंगे, ठीक है। यहाँ डिलीवरी चालान या डिलीवरी नोट नंबर डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद से यहाँ डेट है, यहाँ पे डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, डाल दीजिए जो भी हो। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन, ये कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, वो डाल दीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैं डाल देता हूँ अमित एंड सन्स को ये डिलीवर हो रहा है सामान। यहाँ पर आप मोड ऑफ पेमेंट डाल सकते हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो मैं कैश कर देता हूँ, ठीक है। अदर रेफरेंस डाल सकते हैं, टर्म ऑफ डिलीवरी डाल सकते हैं, यहाँ बायर का एड्रेस डाल सकते हैं। मैं फिलहाल इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे एंटर करके इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ सेल्स का आपको लेजर बनाना होगा, तो यहाँ पे एस टाइप करके देख लेते हैं, यहाँ सेल्स का लेजर नहीं बना हुआ है, तो अल्ट के साथ सी दबाइए। जैसे ही दबाइएगा ये विंडो ओपन होगी, यहाँ लिखिएगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट लिखने के बाद एंटर प्रेस कीजिए और अंडर सेल्स अकाउंट इसको लेके जाइए। यहाँ पे देखिए ये सेल्स अकाउंट आ रहा है, एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है, और इंटरफेस करते हुए नीचे आ जाइए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हमारा सेल्स का लेजर बन चुका है। अब यहाँ पे हम आइटम्स जो बेचेंगे, सॉरी जो सेल करेंगे, उसका यहाँ पे लेजर बनाना है हमें। तो आइए बनाते हैं यहाँ पे लेजर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्चून रिफाइंड ऑयल, ये हमने सेल करा, इंटरफेस किया। अंडर प्राइमरी में इसको रखेंगे, यूनिट हम क्या बनाएंगे, इसमें यूनिट बनाएंगे लीटर, ठीक है। तो अल्ट के साथ सी दबाइएगा तो यूनिट वाला बॉक्स डिस्प्ले होगा। सिंबल क्या देंगे हम, LTR दे देते हैं, और उसके बाद फॉर्मल नेम है लीटर, तो यहाँ लीटर लिख देते हैं, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस में दे सकते हैं हम, दो डेसिमल प्लेस दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी छोड़ देंगे, अभी इसका कोई काम नहीं। क्वान्टिटी यहाँ देना है हमें, जैसे सपोज कीजिए कितना पैकेट हम बेच रहे हैं, जैसे कितने किलो या कितने लीटर बेच रहे हैं, तो यहाँ 12 लीटर अगर हमने बेचा है सामान, ठीक है, तो ये देखिए नेगेटिव स्टॉक बता रहा है। अब ये प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी दिक्कत, नेगेटिव स्टॉक क्यों बताता है, हमारे पास स्टॉक होता नहीं है, हमने खरीदा ही नहीं है और हम बेच रहे हैं, इस कारण से ये नेगेटिव स्टॉक आता है। तो ये बात आपको ध्यान रहे कि नेगेटिव स्टॉक वाली एंट्री नहीं करनी है आपको, ये टैली में गलत एंट्री होती है। हालांकि आप एंट्री करेंगे, एंट्री हो भी जाएगी, लेकिन ये एंट्री गलत होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बाहर आना है और हमको कहाँ जाना है, परचेज वाउचर में जाना है। परचेज वाउचर के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, तो यहाँ से चेंज करेंगे F9 प्रेस करके। तो ये देखिए परचेज वाउचर में आ गए, और यहाँ पे हम दे देंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर, ठीक है, डेट दे देंगे, और ये कैश में हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे सप्लायर का जो है नाम दे सकते हैं और एड्रेस दे सकते हैं, फिलहाल मैं कैश रहने देता हूँ। और यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर बनेगा जैसा कि आपको पता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्चून रिफाइंड ऑयल का एक लेजर क्रिएट करूँगा ताकि मैं इसमें एंट्री कर सकूँ, फॉर्चून रिफाइंड ऑयल। अगर हमने ख़रीदा नहीं तो हम बेच नहीं सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है।
तो ये पहले से एग्जिस्ट है, यानी कि पहले से लेज़र बना हुआ है, तो यहाँ से आप बाहर आ जाइए, ठीक है। आप F प्रेस कीजिए, तो यहाँ फॉर्चून रिफाइंड ऑयल का लेज़र हमने अभी अभी क्रिएट किया है, इसी वजह से ये आ रहा है। ये सब परेशानियाँ आपको फेस आएंगी जब शुरू शुरू में आप ऐसा करेंगे, तो मैं इसी वजह से मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर क्वान्टिटी है, क्वान्टिटी जैसे मान लीजिए हमने ख़रीदा 50 लीटर, ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप आएगा। अब एक फॉर्चून रिफाइंड ऑयल की कीमत 120 रुपये है 1 लीटर की, ठीक है, तो उसके हिसाब से टोटल अमाउंट आ गया। अब दूसरा जो लेज़र है वो किसका बनाएंगे हम, वो बना लेते हैं हम सफोला रिफाइंड ऑयल, सफोला रिफाइंड ऑयल, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम करेंगे लीटर में, ठीक है, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब इसको हम खरीद रहे हैं 20 लीटर, ठीक है, और 1 लीटर की जो कीमत है वो 150 रुपये है, ठीक है, तो 150 रुपये नहीं है, जैसे हमको खरीद रेट क्या पड़ रही है, तो वो हम डाल देते हैं 130 रुपये, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम अब फिर एक लेज़र बनाएंगे अल्ट सी के साथ। तो इस बार हम क्या बेचेंगे, जैसे सपोज कीजिए हम बेच रहे हैं इस बार शुगर, तो यहाँ लिख दिया शुगर और एंटर प्रेस करके नीचे आइए, और शुगर जो है किलो में बेचते हैं हम, तो अल्ट के साथ सी दबाइए और यहाँ लगा दीजिए KGS किलोग्राम, ठीक है, KGS, एंटर प्रेस करिए, फॉर्मल नेम किलोग्राम कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 कर देता हूँ मैं, ठीक है, एंटर प्रेस करके नीचे आइए। यहाँ पर आपने 200 किलो चीनी ख़रीदा है, ठीक है, 1 किलो चीनी की कीमत 40 रुपये है, ठीक है, और इसी तरह से 200 किलो चीनी की कीमत जो भी होगी वो आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद अगला जो आइटम है वो यहाँ पे हम पल्स खरीदेंगे, ठीक है, तो पल्स जो है ये भी किलोग्राम के हिसाब से हम इसको बेचेंगे, तो ये हमारा एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। और पल्स जो हमने ख़रीदा 50 किलो, 50 किलो के हिसाब से पल्स का रेट जो है 65 रुपये किलो है, तो उसके हिसाब से यहाँ रेट आ गया। इस तरीके से करके हम लेज़र बना लेंगे और जो भी चीज़ें यहाँ चाहिए वहाँ एंट्री करा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नरेशन देना है हमें, तो यहाँ लिख दिया मैंने आइटम्स हैव बीन परचेज्ड, ठीक है, एंटर प्रेस किया और एक्सेप्ट करा लिया हमने। तो ये देखिए हमने ये एंट्री बना ली। अब हमें सेल्स की एंट्री करनी है, ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाइए और सेल्स के लिए F8 प्रेस कीजिए। तो जैसे ही F8 प्रेस कीजिएगा आप सेल्स वाउचर में आ जाएंगे, यहाँ पे डिलीवरी चालान नंबर रेफरेंस नंबर दे देंगे और उसके बाद से हम कैश में सामान बेचेंगे, तो यहाँ पे डिलीवरी चालान। इसके बाद यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर बनेगा, मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है, ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अब हम क्या क्या बेच रहे हैं वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब अमाउंट भी यहाँ दिख रहा है आपको कि 50 लीटर फॉर्चून रिफाइंड ऑयल है आपके पास, तो आपको इसी हिसाब से बेचना है। एक्स्ट्रा अगर आप बेच देते हैं तो आपका क्या दिक्कत आएगा, नेगेटिव स्टॉक नेगेटिव कैश वाली दिक्कत आ जाएगी, नेगेटिव स्टॉक आएगा। तो अभी 50 लीटर ये रिफाइंड ऑयल है, इसमें से हम 12 लीटर बेच रहे हैं, ठीक है। कीमत कितनी है, जैसे हमने जो ख़रीदा हम 130 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, तो इसका यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें आएगा। तो अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब शुगर भी हमें बेचना है, तो शुगर यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, हमने पहले से बना रखा है, तो यहाँ पे शुगर हम बेच रहे हैं, अब सेल कर रहे हैं, तो शुगर मान लीजिए हमने बेच दिया 30 किलो, ठीक है, क्या रेट बेचा है हमने, जैसे सपोज कीजिए हमने बेचा 45 रुपये किलो, 45 रुपीज, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पर सफोला रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं, तो यहाँ सफोला रिफाइंड ऑयल आ गया। अब जैसे कितना बिक रहा है, 12 लीटर हमने बेचा और एक की कीमत जो है हमने 150 रुपये के हिसाब से इसको बेचा है, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारी एक साइड में दुकान है जहाँ पर हम डेस्कटॉप कीबोर्ड माउस वगैरह भी बेचते हैं, तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड आ रहा है, ठीक है, इंटर करेंगे नीचे के दबाएंगे तो कीबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे 44 आइटम हमारे पास है, हम यहाँ पे 20 आइटम कीबोर्ड बेच दे रहे हैं, तो कितना होगा, एक कीबोर्ड की कीमत हम कितनी लगा रहे हैं, 200 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4000 रुपये का कीबोर्ड भी हमने बेच दिया। तो इतना सामान, इतना आइटम हमने बेचा, ठीक है। कंसेशन क्या होता है, TDS क्या होता है, आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर छूट भी मिलती है जिसको हम कंसेशन बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम्स हैव बीन सोल्ड, ये बेचा गया है तो सोल्ड लिख दिया हमने, एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसको हमको देखना है कि कहाँ ये एंट्री किया हमने, कहाँ गया,
तो आप यहां से डी प्रेस कीजिए, क्योंकि हमको जाना है कहां पे, ये देखिए डिस्प्ले में जाना है हमें, या तो यहां क्लिक करिए माउस से, नहीं तो डी प्रेस कर दीजिए, फिर हमें डेबुक में जाना है तो फिर डी प्रेस कर दीजिए। तो यहां देखिए ये सारी एंट्रीज हो चुकी हैं कैश में, आप देख सकते हैं पहले हमने परचेज किया था, लास्ट वाली जो एंट्री है वो सेल्स की है, यहाँ से क्लिक करिएगा ये आपको दिखेगा। अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी दबाइए, आपका ये प्रिंट निकल जाएगा। अब देखिए ये प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट होकर आ गया है, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए ये हमारा प्रिंट है, ठीक है, 8710 रुपये का सामान हमने सेल किया है, तो ये यहाँ पर आ रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि सेल्स बाउचर में कैसे एंट्री करनी है, पहले हम परचेज करेंगे तब जाके सेल्स में एंट्री करेंगे, हमारे पास होगा ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे, तो नेगेटिव स्टॉक तो आएगा, तो जितना स्टॉक है उतना ही स्टॉक भी देना है हमें, ये भी ध्यान रखना है आपको। अभी आते हैं पहली वाली एंट्री, यानी कि जो हमने परचेज करी थी वो वाली एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली एंट्री है, देखिए कीबोर्ड माउस ये पहले से मैंने बना रखा है, इसके पहले जो मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं उसमें बना रखा है, ये वाली एंट्री आपकी है जो अभी अभी हमने की, इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, अल्ट के साथ पी दबाइए और एंटर प्रेस कीजिए, तो ये वाली एंट्री जो है आपको दिख जाएगी यहाँ पे, देखिए ये वाली एंट्री है और यहाँ पर इस तरह का कुछ रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं प्रिंट करके। तो आई होप कि इससे कुछ थोड़ी बहुत आपको मदद ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।